गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद से ही किसान जन समर्थन खो रहे हैं। इसके साथ ही अब सरकार सख्ती से पेश आ रही है। रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने मसानी कट विरोध स्थल को खाली कर दिया है और उनमें से कुछ टिकरी चले गए हैं, जबकि कुछ जयसिंहपुरा खेड़ा गांव गए हैं। कई अन्य लोग घर लौट गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई हफ्तों से राज्य में राजमार्गों पर कई टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर किसानों ने विरोध स्थलों को खाली कर दिया है। उधर यूपी के बागपत में पुलिस ने किसानों का आंदोलन खत्म करवा दिया है। ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के बाद हरियाणा में विरोध कर रहे किसान लगातार अपना जन समर्थन खोते जा रहे थे। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कम से कम 15 गांवों की एक पंचायत ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेरा डाले किसानों से 24 घंटे के भीतर सड़क खाली करने को कहा। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि गाजीपुर बॉर्डर पर आधी रात बिजली काट दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का आरोप है कि पुलिस ने रात को बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन वाली जगह की बिजली काटी है। बने रहें इनकाउंटर न्यूज़ पर।